ॐ नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ओं महालक्ष्मी देव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्याय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओं मां महालक्ष्मी देव्यै नमः। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु जत्रिविद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू डी टीवी ओडिया चैनल को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु, धनतेरस को नहीं आपण माने वर्तमान खुशी आनंदित जे दीपावली प्रारंभिक जो पर्व दीपावली जो प्रथम चरण से होचे धनतेरस, जहाँकि धनंतरी जन्मदिवस। तेबे धनतेरस केबे पड़ुची, कौ दिन धनतेरस पालनीय, धनतेरस केउ समय रे आमे केउ द्रव्य को क्रय कले आम धनर अभिवृद्धि हेबो, धनतेरस रे आमे केउ केउ विधि को पालन करिबा, क्यों क्यों नीति नियम को अनुसरण करिबा, से संपर्क में संपूर्ण भाव में आसतु जानवा। तेबे प्रथमे ए वर्ष धनतेरस के केतेक पांजीरे आपण देखिबे, धनतेरस लेखा जाइछि 11 तारीख, केतेक पांजीरे रहुछि 10 तारीख। तेबे प्रथमे द्वंद्व को आमे दूर करिबा जे धनतेरस आमे केउ दिन पालन करिबा। देखंतु धनतेरस केबे पालन करा जाय, प्रकृत नियम कोन, धर्मशास्त्र रे कोन कहा जाइछि। धर्मशास्त्र रे कथा कहा जाइछि, कार्तिकस्य शीत पक्षे त्रयोदश्याम निशा मुखे, एही दिन ही आमे धनतेरस को पालन करिबा। धर्मसिंधु धर्मशास्त्र रे स्पष्ट भाव रे कथा कहा जाइछि जे कार्तिकस्य शीत पक्षे त्रयोदश्याम निशा मुखे, अर्थात कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि होइथिबो, एवं से त्रयोदशी तिथि निशा समय बेलू थ, अर्थात संध्या समय बेलू थ, निशा मुखे निशा आरंभ बेलू रात्रि आरंभ बेलू संध्या समय रे से तिथि पड़ु थ, जहाँकि आम जब विस्तृत भाव देखा 10 नवंबर 2023 शुक्रवार दिन, ये हूँ धनतेरस उपयुक्त समय। जदि आम यही दिन को विचार करवा तेल सूर्य उदय पर मध्यान्न 12 घंटा 26 मिनिट पर्यंत एही दिन द्वादशी तिथि रहुचंती, एवं त्रयोदशी तिथिर आरंभ होउची 10 नवंबर शुक्रवार, एही दिन मध्यान्न 12 घंटा 27 मिनिट ठारु त्रयोदशी तिथि आरंभ होउची, अर्थात 10 नवंबर शुक्रवार मध्यान्न 12 घंटा 27 मिनिट ठारु त्रयोदशी तिथि आरंभ होउची, एवं एही त्रयोदशी तिथि 11/11/2023 शनिवार बा 11 नवंबर शनिवार मध्यान 1 घंटा 46 मिनिट पर्यंत रहुछि। सेतिपाई मन मध्यरे अनेक व्यक्तिंकर द्वंद्व अछि जे धनतेरस 10 तारीख ना 11 तारीख, किंतु आमे पालन करिबा शास्त्रर नियम अनुसारे, धर्मशास्त्रर पद्धति अनुसारे, वैदिक कर्मकांडर नियम अनुसारे। कौन ना धर्मशास्त्ररे जहाँ कहगला जे कार्तिकस्य शीतपक्षे कार्तिक मासर कृष्णपक्षरे एवं त्रयोदश्याम निशा मुखे, त्रयोदशी तिथिर निशा समय जिते लगुव, जहाँकि आपत देखिए शनिवार दिन मध्यान गोटे 46 पर्यंत रोचे, अर्थात मध्यान शनिवार 11 तारीख मध्यान गोटे 46 मिनिट पर जदि आम देखा ताहले कौन हो ना चतुर्दशी तिथि भोग हो सन्ध्या गोटे 47 पर आपणकर चतुर्दशी आरंभ हो 11/11/23 बा शनिवार दिन। तेणु आम 10 तारीख 10/11/2023 शुक्रवार दिन संध्या समय बेलू त्रयोदशी तिथि थाउची, कारण 12 घंटा मध्यान 12 घंटा 27 मिनिट आरंभ होपर दिन गोटे 46 पर्यंत। तेणु शास्त्र विधि अनुसार, कर्मकांड अनुसार, धर्मशास्त्र विधि अनुसार, एवं विशेष करी धर्म सिंधु जहाँकि धर्मशास्त्र प्रकृत पुस्तक, ये नियम अनुजाई आमे 10 नवंबर शुक्रवार दिन आम धनतेरस को पालन करिबा, बा से दिन धनतेरस पालनीय। तेबे साधारण भाव आमे धनतेरस जदि आम देखा 50 वर्ष तलू जातु 30 वर्ष तलू जातु, धनतेरस ओडिशा रे लोक माने कम पालन करथुले, एवं
धनतेरस विशेष कर गुजराटी संप्रदाय जो माने गुजराटी भाई भोनी माने से माने ही धनतेरस को पालन करुथले किंतु सबुबले मनुष्यर स्वभाव होची समस्त ठारु भल जिनस को ग्रहण करिबा भल जिनस को आग्रह करिबा भल जिनस को कल्चर को आनिबा तेबे धनतेरस दुई गोटी कथा रहिची प्रथमे यही दिन धन आम जो धनतेरस कहचे संस्कृत कह जाए धन तेजस धनर अभिवृद्धि हवा धन को तेजियान करिबा एवं त्रयोदशी तिथि होइतिबारु केतेक धर्मशास्त्र अनुसार यही दिन जो शुभ समय रही धन क्रय करिबार जो समय रही किसी द्रव्य क्रय करिबार जो समय रही से मूल्यवान द्रव्य को क्रय कले किसी द्रव्य को ग्रहण कले क्रय कले तेर गुणा अभिवृद्धि होइथाय सेतिपाई कह जाए धन त्रयोदशी बा धन तेजस संस्कृत तेजर अर्थ होची अभिवृद्धि हवा धन तेजस अर्थात धनरे अभिवृद्धि एही दिन होइथाय एवं धन बोली कहिले आमे माने आजिका समय रे बुझु केवल धन बोली कहिले टंका सुना गहना रूपा बा किछि मूल्यवान द्रव्य ये तो निश्चय धन ये तो आपणकर सबुबले लोकों पई आग्रही सबुबले मनुष्य ताकु क्रय करिया पई सबुबले ता मनरे माने उत्कंठा केतेरु कते तार अधिक धन मिलिब समस्त आग्रही किंतु प्रकृत धन कौन प्रकृत धन होची शरीर हेल्थ इज रियल वेल्थ स्वास्थ्य ही संपद एवं प्रकृत संपद होची शरीर आपण जदि स्वास्थ्य भल अच्छी ताले सबकिछि भल अच्छी आपण पाखरे कोटि कोटि टंका अच्छी अर्थ अच्छी किंतु आपणकर स्वास्थ्य खराब अच्छी ताहले आपणकर से अर्थ कोनसी कार्य लागिव नाही आपणक पाखरे प्रचुर अर्थ अच्छी किंतु आपण मधुमेह बा डायबिटीस रोगरे आक्रांत आपण किडनी रोगरे आक्रांत ताहले आपण जोटा चाहिबे ताकु खाइ परिबेनी जोटा स्वास्थ्य दुर्बल अच्छी आपण पांच तला सीढ़ी चढ़ला बेलू दीतला सीढ़ी चढ़ला बेलू स्टेयर केस चढ़ला बेलू आपड़ धई सही होती स्वास्थ्य बाधा अच्छी चलिकी गोटे बाट गला किसी बाट आप थकी जाऊँच शरीर में जोश रोनी फूर्ति रोनी कम कर आग्रह रोना तेणु प्रकृत धन कौन अर्थ ना प्रकृत धन हूँ स्वास्थ्य ताको आप विचार करते दर्शक बंधु स्वास्थ्य ही प्रकृत धन एवं आज जो धनंतरी दिवस कहगला धनतेरस एवं दुईटा कथा धनरे अभिवृद्धि हुए एवं स्वास्थ्यर अभिवृद्धि स्वास्थ्य मध्य उन्नति ताको मध्य आमे कही परिया धनंतरी जे कि समुद्र गर्भरु आज बाहरी थिले एवं हस्तरे तांकर थिला अमृत कलश को धरिकि से बाहरी थिले एवं देवता माने अमृत पान करी अमृतत्वता को लाभ करथिले अमरत्व को लाभ करथिले तेणु स्वास्थ्यर देवता होचंती आयुर्वेदर देवता होचंती धनंतरी तेणु तांकर आज होची जन्मदिवस तेणु तांकर नामकरण अनुसार धनतेरस बोली कहा जाइछि तेबे मनुष्य आज समय देखा मनुष्य बहुत दुखरे रहुची मानसिक अस्थिरता रहुची काले कौन हो आशा आशंका ता मनरे बहुत भर्ती रहुची गोटे समय आप देखिए पचास वर्ष तल को जातु गाँ गहलटे आप देखिए टाउन भी देखिए प्रत्येक लोक किसी मात्रा रे खुशी थिले खुशी थिले एवं से माने परिवार साई भाई सहित मिलीमिशी चलुले आपण टाउन छाड़ी दिंतु गाँ गहलटे भी देखिए छोट छोट कथार राजनीति घर पाख सहित घर लोकर पड़ूना कारण जो कथा वर्तमान समय देखा जाउची मनुष्यर कामना बहुत बढ़ी जाइछि कामनार विनाश रे दुखर विनाश एक कथा गौतम बुद्ध कहिसेंति किंतु मनुष्यर आज समय कामना बढ़ी जाइछि एवं आज समय आप देखिए मनुष्य सी के रोजगार कला के कौन कला ताकु नहीं कि सी जिते चिंता करूनी आपण को अन्य जन सहित से कंपेयर करुच्ची अन्य जन प्रति प्रतिहिंसा प्राण हो मो भाई अधिका रोजगार कला मोर कमीगला अर्थ तार घर है मु घर टे तली पारि ना तार आज दीटा गोटे गाड़ी दीटा गाड़ी गला कि मुझे गोटे सैकेल टे चलाऊँ ये जो अगर खुशी देखी मनुष्य निज खुशी को कंपेयर करूँ सहित निजे कम पड़वर मन भितर दुख बा आपणकर कहींपर हतोत्साह भावना तार जात हो प्रकृतर संसार सुखी किए सुखीर जदि आम डेफिनेसन देखा आमर जक्षराज बक रूप से युधिष्ठिर को पचारिथिले जे प्रकृतरे वास्तविक हे राजन सुखी किए कह सुखी ही सुंदर प्रश्नर उत्तर देथिले धर्मराज युधिष्ठिर जे पंचपांडव भितर ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर सुंदर प्रश्नर उत्तर देथिले जक्षराज बकंकर कौन ना अर्थागमम नित्यम आरोगिताच प्रियाच भार्ज्याच प्रियवादिनीच वश्यस्य पुत्र अर्थकारी च विद्या षड्जीव लोकेशु सुखानी राजन हे राजन ये छोटा कथा जहाँ पाखे अच्छी से ही सुखी
हे यक्षराज हे यक्षराजन ये छोटा कथा थिले मनुष्य सुखी कौन ना अर्थागमम नित्यम प्रत्येक दिन किसी ना किसी अर्थ आसुव रोजगार मनुष्य करना तेल लुण संसार चलियापाई हेले अर्थर आवश्यकता रही कौन सी द्रव्य को क्रय करने को आज आपत अटा आणतु डाली आणतु तेल आणतु लुण आणतु ये तेल लुण संसार अर्थर निश्चय आवश्यकता रही पिला उच्च शिक्षा देवा नूतन गृह या घर निर्माण करवा जमीटे कि गाड़ीटे कि बहुत बंधन में झील को आबद्ध कराइवा जहाँ भी कार्य आपड़ करेंगे इवन धर्म करवा गोटे यज्ञ करेंगे आप किसी गोटे प्रतिष्ठा करेंगे गोटे महोत्सव करेंगे त्रिनाथ मेलाटे करेंगे शनिश्चर मेलाटे करेंगे ब्राह्मण को डाक किसी दक्षिणा देवा पड़ो कि द्रव्य क्रय कर पड़ो आज चारिधाम जात्रा करेंगे से आपण यात्रा समय पर आपंकर अर्थ आवश्यक गाड़ी रे, ट्रेन रे, प्लेन रे जो थे जी अर्थ आपंकर आवश्यक पड़ो कि गरीब को सहायता करेंगे अर्थर आवश्यकता पड़ो तेणु अर्थटा अर्थ प्रत्येक दिन दरकार तेणु अर्थागमम नित्यम से जरूरीकालीन अर्थ को पाइबापी अर्थ को खर्च करने अर्थ आसिले तो आप खर्च करेंगे तेणु प्रत्येक दिन किसी अर्थ आसु अर्थागमम नित्यम तापर हूँ सुंदर कथा आरोगिता चो खाली अर्थ आसिले तो हम ना आपण पाखे कोटि कोटि बैंक बालान्स अच्छे आपण पाखे भल सालरी आपड़ पाँच मसक लक्ष टा दुई लक्ष टा पांच लक्ष टा पचास हजार टाँग कमाऊँ मात्र आपणकर किडनी प्रॉब्लम अच्छी आपणकर मधुमेह अच्छी आपण ठीक भाव में ढड़ा हो पार ना आपण घरे रत्न पलंग अच्छी किंतु आपणकर बैकबोन प्रॉब्लम अच्छी बैकबोन रे समस्या अच्छी डॉक्टर कहते तले शुंतु आप गदी में शुंतु नहीं डलप्रे व्यवहार करूँ ना तो सी सब मूल्यहीन गज पलंग रत्न पलंग शांति से सही पार ना कारण आपण को स्वास्थ्य खराब अच्छी तेणु अर्थगमम नित्यम प्रत्येक दिन अर्थ आसु आरोगिता च आप आरोग्य रोगीणा हो नए रोग द्वारा कष्ट नए आजिकल आप देखिए कौ लोकटा निरोगी आप कहतु समस्त पाखे रोग अच्छी किए डायबिटिस पीड़ित किए उच्च रक्तचाप पीड़ित कार हार्ट प्रॉब्लम बाहर किए आपणकर किडनी जनित समस्या किए पीड़ित किए भयातुर रोग जमी कैंसर भाई बाधि में पीड़ित अच्छा तेणु प्रति लोक रोगी एवं ये रोग थे कौन हम ना रोग अर्थ अर्थ बहुत खर्च हम एवं आपणकर स्वास्थ्य जदि खराब अच्छी सबकि विष लगे तेणु अर्थागमन नित्यम आरोगिता च अर्थ आसुव शरीर मध्य साथ दौर आपण स्वास्थ्यवान होते रोग आपण शरीर नोटमोट थंडा छोटिया मोटिया थंडा हवा ज्वर हवा ये साधारण कथा किंतु बड़ धरण कौन स्वास्थ्यगत समस्या नर्थागमन नित्यम आरोगिता च प्रियाच भार्याच प्रियवाद नीच आपण अर्थ अच्छी भल रोजगार करपणकर स्वास्थ्य भल अच्छी किंतु आपण जितेबाला डेली आपणकर जो दैनदिन कार्यक्रम सारी घर को जिते आप फेरुंच व्यवसाय स्थल घर को आसुच्चा गोटे चाकरी करी जब्र ड्रेस नहीं घर को फेर घरे आसिक आप कहले हठात आप पशु पशु सहधर्मी कहले पा ग्लासटे दि कौन कि सी जी कहे तुम्हें निजे नहीं पी दिखर कथा जदि रुक्ष र बा घर को पशु पशु जदि स्त्री घर कथा कहीकि आपण माइंड को टेंशन कर आपण मन को भाराक्रांत कर कि ना चुगुली कर गपी बा किसी हेवी डिमांड कर आपण सहित मिसेस कर स्त्री स्वामी स्त्री मध्य रुक्ष व्यवहार रहा कौन हम ना सबू थी अशांति लगे तेणु प्रियच भार्याच प्रियवाद नीच भार्या स्त्री आपणकर धर्मपत्नी आपण को प्रियवादीन होती आप कथा को समर्थन करुवे आपण को मन को नहीं चलुवे स्वामी हठात आसिले पादर मौजा खुलदे सहित कौन से खाया भल पाइबे शीघ्र खाई तस करापर कौन घर समस्या आसी जनवा हठात आसु आसु पिला फिज दि कि समस्या कौन कि घरे यहाँ घटना तुम बापा माँ या कहले तुम भौणी या कहले बा किसी गोटे कथा मोर ये रिक्वयरमेंट अच्छी मत पूरा कर हठात किना कहीकि झगड़ा कले कथा कथार स्त्री जदि ब्रत हो चिड़ी होते चिड़चिड़ा स्वभाव होते सब थी अशांति रियाच भार्याच प्रियवाद नीच स्त्री तो आपणकर प्रिय हे सहित आपणकर प्रियवाद अर्थात आपणकर बंधु बांधव आपणकर
भाई भौनी आपण रक्त संपर्कीय बंधु बांधव से माने आपणकर मंगल चाहूबे आपणकर उन्नति चाहूबे चाहूबे जे अमुक बाबूंकर उन्नति हो बा मोर भाईटी तार उन्नति हो मोर संपर्क रे मामू हेबे तांकर उन्नति हो बा मोर दादा हेबे तांकर उन्नति हो आपणकर जो प्रिय बादिनी जो कुटुंब लोक परिवार लोक बंधु बांधव रक्त संपर्कीय से आपणको विषय रे भलो चिंता करथिबे एवं आपण सहित सुसंपर्क रखुथिबे प्रियाच भार्ज्याच प्रिय बादिनीच वश्यस्य पुत्र आजिका समय देखा जाऊँगी बापा होती भल पोस्ट अच्छा पावर क्षमतार अच्छा आडमिनिस्ट्रेसन पोस्ट अच्छा कि पिला कौन करुच्चर जाकर ड्रिंक्स करर को विलंबर फेरिले बापा पचारे कौन बापा टी आकट कले पुओ विरक्त होकर कटाक्ष कर रुक्ष व्यवहार करपा माँ का सांगे झील रुक्ष व्यवहार करपा माँ का सांगे तेना वश्यस्य पुत्र आपणकर पुत्र वपणकर कन्या आपण कथा शुणुवे आपण प्रति भक्ति रखुथे पितामाता प्रति ताहले आपण घर सुंदर लगे आपण पाखे कोटि कोटि टा बैंक बालान्स थी आपण शरीर भल थी आपण सहधर्मी भल बंधु बांधव भल किंतु आपण को पिला उद्धत स्वभाव रही पिला सांगसाथी पड़ी अबाटे जा पिला भल मान पाठ पढ़ी थी चाकरी कौटी खंडे पा नाला आप चिंतित हेनि कि आपण को प्रत्युत्तर दौर कथा कथा तेल आपण को जीवनटा विषतुल्य हो तेणु प्रियच भार्ज्याच प्रियवाद नीच वश्यस्य पुत्र पुत्र बा कन्या आपणकर अधीनस्थ होते आपण को सम्मान दूथे आपण को कथा को ग्रहण करुवे आपणकर प्रति जी भल पाइबा थोड़ा आपण प्रति अनुरूप भाव से भक्ति और भल पाइबा थी तेणु प्रियाच भार्ज्याच प्रियवाद नीच वश्यस्य पुत्र पुणी एगेन कहले अर्थकारीच विद्या आपणकर एभली एक आपण विद्या अध्ययन करेंगे जो विद्या द्वारा राति पाइले आप अर्थ उपार्जन करेंगे आपण पाखे विद्या थी अर्थात भल व्यवसाय करार कला थी दरकार आपण केमी कहले लोक मोटिवेट करेंगे लोक आपण कथा ग्रहण करेंगे तेणु से व्यवसाय जो कलाटा से आपंकर विद्या से भले आप जब करुंटे जब स्किल जब टैलेंट आपे थ उच्च पदाधिकारी आपन को प्रशंसित करेंगे आपण जब कर स्किल टैलेंट द्वारा आप शीघ्रातिशीघ्र प्रमोशन पाइबे तेणु आपण पाखे से टैलेंट बा स्किल थी एवं एभली विद्या थी जो विद्यार कि आपणकर इनभेस्टमेंट नर्थकारी विद्यार प्रकृत अर्थ हूँ विद्या साधन करेंगे जो विद्यार कौन सी आपणकर मानते इनभेस्टमेंट न किसी मूल पुंजी आप लगुन आप कौन विद्या आपड़ धरतु जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से गोटे छोट रूम नहीं केवल टेबल चेयर पक बसिले से जो कॉस्टिंग जानते जो विद्या अध्ययन फाइनेंस कर पाठ पढ़ी फाइनेंशियल नॉलेज पाखे अच्छी से आईटी फाइल कले आईटी रिटर्न कले जहाँ जहाँ कले से लोक को आडभइस दे फाइनेंशियल आडभइस देकर से रोजगार कले गोटे पोस्ट सीओ पोस्ट से जन चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब करुंट से किसी फार्म ना से जॉब कर कंपनी को जो परामर्श दे से जो फाइनेंशियल एडवाइस देले ताकि से अर्थ पाइले निजर कौन इन्वेस्टमेंट है ना कि से भी माल बा मटेरियल किसी से रखिले ना किसी द्रव्य माने परचेस कर किसी सेल कले तेनालीरु जो ज्ञान रहा से ज्ञान द्वारा से रोजगार कले तेणु अर्थकारीच विद्या से भले जो डॉक्टर आपत देखिए डॉक्टर तर हॉस्पिटल ड्यूटी कले किसी अर्थ पाइले सरकारी स्तर जो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल काम करते प्राइवेट हॉस्पिटल थ्रु किसी अर्थ पाइले का सका गोटे क्लिनिक प्राइवेट क्लिनिक रे बसिले मेडिसिन दुकान रे बसिले जो भी बसिले केवल सी जाके प्रेजेन्ट पकेले लोकंर समस्या शुणिले और प्रेसक्रिप्शन टी कले तो निजर इनभेस्टमेंट कौट रहा सी किसी कौन मैन्युफैक्चरिंग करुँच द्रव्य कौन क्रय कर विक्रय कर अर्थ किसी इनभेस्टमेंट कले कि विद्या नलेजटा हूँ इनभेस्टमेंट तेणु एभली एक आप विद्या अध्ययन करेंगे जो विद्या द्वारा आपण को किसी इनभेस्टमेंट करवा पड़ ना सरलकृत विद्या होपणकर नलेज ही आपणकर अर्थ होती जमी जे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहली जे आप डॉक्टर कहली से भाई आप जे धरतु आडभोकेट भल लयर जो भल आडभोकेट से परामर्श दे केमती कौन कले आपर जमीन मिले केमती कौन महकिल को सुंदर परामर्श देकर कोर्टे आर्गुमेंट कर समस्या समाधान कले से कौन किसी इनभेस्टमेंट कर किसी गुड्स किसी द्रव्य इनभेस्टमेंट करना केवल ज्ञान हिंसा इनभेस्टमेंट से भाई जड़े भल ज्योतिर्विद भल ना अच्छी जो आस्ट्रोलॉजर भी आम कहीपर हूँ तो आम प्रोफेशन भी हो पाए तेणु ये किसी इनभेस्टमेंट ना तेणु अर्थकारीच विद्या यो छा कथा जहाँ पाखे थी कौन कहली ना अर्थागम नित्यम प्रत्येक दिन अर्थ आसुव अर्थ अनर्थ कारण अर्थागम नित्यम प्रतिदिन अर्थ आसुव आरोगिताच रोगग्रस्त हो नए
अर्थागम आरोगिता च प्रिया च भार्या च प्रिय बादिनी च स्त्री एवं आपण बंधु बांधव से आपण को प्रिय होते वश्यस्य पुत्र पुओ बा झी आपण कथा शुणुथिबे वश्यस्य पुत्र एवं अर्थकारी च विद्या एई अर्थकारी विद्या आपण अध्ययन करथिबे जद्वारा कि आपण को जीवन रे समस्या रहिबो नाही एवं सेई व्यक्ति विशेष ही प्रकृत सुखी हेई पारिबे अर्थागमम नित्यम आरोगिताच प्रियाच भार्याच प्रियवादिनीच वश्यस्य पुत्र अर्थकारी च विद्या षड्जीव लोकेशु सुखानि राजन हे राजन ये छोटे कथा जहाँ पाखे अच्छी से ही संसार खुशी तेणु आपण मानक छोटी कथा अच्छी तो आपण निजे अनुध्यान करूँ जदि अच्छी ताहले आपण निश्चय सुखर थी आपणकर कामनार स्तर को आपण सदा बेले कम रखु जदि आपण जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाए आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com तेबे आजिर जो धनतेरस ए धनतेरस रो नाम कोन ना आज दिन रे धनंतरी समुद्र गर्भरु से उत्पन्न होइतिले बा समुद्र रु धनंतरी महाराज आज बाहरिथिले धनंतरी देवतांकर आविर्भूत होइतिले आविर्भाव होइतिले अमृत कलश धरी देवता एवं दानव मध्यरे आजिर दिन रे कोन समुद्र मंथन होइतिला एवं समुद्र मंथन रु ऐरावत हस्ती बाहरिथिले समुद्र मंथन रु पारिजात पुष्प बाहरी स्वर्ग देवराज इंद्रंकर जो पुष्पवन स्वभाव बढ़ी पारिजात ऐरावत हस्ती ये बहुत दुर्लभ जिनस आपणकर कौस्तुभ मणि ये सब जिनस समुद्र गर्भर बाहरी समुद्र दुहिता होती माँ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी मध्य समुद्र रु बाहरी शेष धनंतरी बाहरी अमृत कलश धरी तेणु स्वास्थ्य हूँ प्रकृत अर्थ प्रकृत धन तापर हूँ आपण धनर देवी होती किए ना माँ लक्ष्मी धनर देवता होती किए ना कुबेर तेणु आज दिन में लक्ष्मी कुबेर एवं गणपति विघ्न विनाशन पर गणपति पूजा करार विधान रही आज दिन में जमदेवता पूजा करार विधान रही जमदीप प्रज्वलन विधान रही तेज जमदीप प्रज्वलन केमी करवा सी आपन को आग एक भिडियो आपन को बतेबी आपण वीडियो को लाइक करूँ डी टी ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करूँ जद्वारा कि जमदीप प्रदान विधि विधान केमी आप जमदीप प्रज्वलन करेंगे और अकाल मृत्यु केमी निजक रक्षा पाई से संपर्क परवर्त वीडियो में आपन को कहि दयाक चैनल को सब्सक्राइब करूँ जार नोटिफिकेशन आपारे तेब आसतु जाणी नवा जे आज धनतेरस कौ समय आप द्रव्य क्रय करेंगे और क्यों द्रव्य को क्रय करेंगे प्रथमे कही रखे जे धनतेरस रे केवल जे सुना क्रय करिवे सुवर्ण क्रय करिवे से कथा ना आपण पाखरे अर्थ अछि सुवर्ण क्रय करि परिवे कने सुवर्ण हेउछे एक मूल्यवान धातुटिए मूल्यवान द्रव्यटिए रौप्य क्रय करि परिवे रूपा क्रय करि परे रूपार कोनोसे अलंकार क्रय करि परिवे रूपा हेउछे एक मूल्यवान धातुटिए किंतु दया करि मा माने बा अन्य माने आपण केबे चिंता करिवे नाही जे आम पाखे अर्थ ना आम सुना केमी क्रय करू कह बहुत अन्य द्रव्य अच्छी जहाँ को आपड़ क्रय कले माँ लक्ष्मी प्रसन्नता आपण रेभली भाव में बहुत घरे मुझे देखे ये सुना क्रय करने स्वामी स्त्री भितर झगड़ा हुए झगड़ा खोकरी तापर परिशेष बिचरा स्वामी सन्ध्या गोटे रूपा कॉइंटे कि सुनाटे कि कानफुलटे नाक फुलटे कौन गोटे छोट सुना द्रव्य व रूपा द्रव्य धरिकी आसे से जो अशांति है और अशांति मनर जिनसटे आसिले से आप लक्ष्मी प्राप्ति कले ना अलक्ष्मी प्राप्ति कले आप निजे चिंता करूँ तेणु या नुह जो सुना क्रय करने को घरे झगड़ा हे ता नुह आप सुवर्ण क्रय करूँ रूप्य क्रय करूँ जदि आपण को शक्ति अच्छी जदि शक्ति ना तो नर्माली गोटे जिनस लवण लुण लुण आप क्रय करें शुभ मुहूर्त शुभ बेला जहाँकि आप समयटा मुझे आगे कहि ये समय
ଆପଣ ଲବଣ କ୍ରୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧନବାନ ହୋଇପାରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। କେବଳ ସୁନା ରୂପା କ୍ରୟ କରିବେ ତାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଅତି ସାଧାରଣ ଲବଣ ବା ଲୁଣ, ଲୁଣ ପକେଟ୍ଟି ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଲୁଣ ପକେଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ 20 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା ବା 40 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତାକୁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାପ ଘର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ତନୟା ସମୁଦ୍ର କୁମାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏବଂ ଲବଣ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ନା ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ହିଁ ଲବଣ ବାହାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଲବଣକୁ କ୍ରୟ କରିବା ଅର୍ଥ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନତା କରିବା। ସେହିଭଳି ସାବୁତ ଧନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ସାବୁତ ଧନିଆ ବା ଗୋଟା ଧନିଆକୁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀକୁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, ଗମତି ଚକ୍ରରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ, ଗମତି ଚକ୍ର କରିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ପାଦୁକା, କୁବେରଙ୍କର ପାଦୁକା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦୁକା, ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ବା ପୁଣ୍ୟଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, କୁବେରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର, ୟାକୁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଆପଣ ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖକୁ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ଗମତି ଚକ୍ରକୁ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣ କ୍ରୟ କଲେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟସା ପୁଣ୍ୟସଂକାଶା ପୁଣ୍ୟଶ୍ଚୈବ ମନରଥା ପୁଣ୍ୟକୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦେନ ପୂଜା ଆମେ ପୁଣ୍ୟତାମ ବ୍ରଜେ, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ପୁଣ୍ୟକୁମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ନେଇ, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ନେଇ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହୋଇକରି ଆପଣ ସୁନା କ୍ରୟ କଲେ, ରୂପା କ୍ରୟ କଲେ, କୌଣସି ବି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ଶୁଭ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମାଆମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ଆପଣ ସୁନା କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା କହିଲି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ କୃପା ଅଛି ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋଟିଏ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକି 12 ଇଞ୍ଚରୁ କମ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 12 ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। 12 ଇଞ୍ଚରୁ କମ୍ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେ ସ୍ଫଟିକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନତେରସ, ଯାହାକି 10 ନଭେମ୍ବର 2023 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ରୟ କଲେ, କେଉଁ ଟାଇମିଂରେ ଆପଣ କ୍ରୟ କଲେ ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ଆପଣ ଦିବା 1 ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ୍, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଦିନବେଳା ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଘଣ୍ଟା 27ରୁ 1 ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ୍, ଏହି ସମୟରେ ଅମୃତ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଏହି ଅମୃତ ଯୋଗରେ ଆପଣ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ୍ରୟ କଲେ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ 13 ଗୁଣା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ସମୟ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ୍ ପରଠାରୁ ରାତ୍ର 8 ଘଣ୍ଟା 59 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଛି, ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ ଲାଭ ଚୌକଡ଼ିଆ ଯୋଗ, ଲାଭ ଯୋଗ। ଏହି ଲାଭ ଯୋଗ ବା ଆୟ ଯୋଗରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୟ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ, ବା ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଧନଧାନ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରୁ, ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ, ବା ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି କରାଯାଉଛି, ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କର ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ୁଛି, ହସ୍ତଗଣ୍ଠିର ସମୟ, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଲଗ୍ନ ରହିଛି ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ 3 ଗୋଟି ଲଗ୍ନକୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ। କ'ଣ ନା, ଆପଣ କିଏ ଚର ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମ, କିଏ ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମ, କିଏ ଦାତ୍ମିକ ଲଗ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚର ସ୍ଥିର ମିଶିକିରି 2 ସ୍ୱଭାବର ଲଗ୍ନ, ଦାତ୍ମିକ ଲଗ୍ନରେ କିଏ ଜନ୍ମ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତିର କଥା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆମେ କହିବା ସମୃଦ୍ଧିର କଥା ଆସେ, ବା ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏକ ପତିବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିବାହ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର, ବିବାହ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାରା ଜୀବନର କମିଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଯେ ବିବାହ ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହସ୍ତଗଣ୍ଠିର ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ହସ୍ତଗଣ୍ଠିର ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
स्थिर लग्न हेले बहटी स्थिर हेबो गृह प्रवेश स्थिर लग्न रे हेबा आवश्यक से गृह आपण बरदायक सुखदायक शांतिदायक अर्थदायक हो पार जेकोसी शुभ कार्य करेंगे जमीटे भी क्रय करूँ बा पिलांकर एडमिशन भी करा गोटे भल स्कूल प्रथम स्थिर लग्न को सदावे ज्योतिर्विद पाखक जी स्थिर लग्न बाहर करेंगे स्थिर लग्न में कौन द्रव्य क्रय करेंगे कौन शुभ कार्य करेंगे तेणु जदि आम स्थिर लग्न करवा आउ टे सूक्ष्म को जीवा जे स्थिर लग्न में आम द्रव्य क्रय कले लक्ष्मी स्थिर होकर घरे रे आम कहूना माँ लक्ष्मी स्थिर प्रसन्ना भवतु माँ लक्ष्मी आम उपर स्थिर कृपा रखत लक्ष्मी होती चंचला तेणु चर लग्न में कौन लक्ष्मी कौन कार्य करने आवश्यक नुह कौन द्रव्य क्रय करने आवश्यक नुह स्थिर लग्न रोचे आपणकर कौन ना संध्या 6:18 ठारू मन रखत स्थिर लग्न संध्या 6:18 ठारू 8:14 वृष लग्न पड़ुछि एवं मेष होची चर लग्न वृष होची स्थिर लग्न वृष लग्न में आप द्रव्य क्रय कले स्थिर लग्न में द्रव्य क्रय कले द्रव्य आपण बरदायक रपण भल रेणु आपण सुना क्रय करूँ रूपा क्रय करूँ पीतल कौन बासन मुस्कुसन क्रय करूँ गमती चक्र क्रय करूँ आपणकर साबुत धनिया क्रय करूँ आपणकर खंड हलदी क्रय करूँ आपणकर कौन लाली बा हलदी रंगर वस्त्र बा शाढ़ी बा ठाकुर कौन द्रव्य वस्त्र आपण क्रय करूँ आपणकर लुणटी पैकेट टी भी क्रय करूँ आपण श्री श्री गोमती चक्र को क्रय करूँ बा खंड हलदी को क्रय करती हलदी गुंड क्रय करूँ शस्य लक्ष्मी अर्थात आपणकर चाउल बस्ताए क्रय करूँ अटा 5 किला पैकेटे ग्रहण करूँ जहाँ भी करपण स्थिर लग्न अर्थात संध्या 6:18 रु 8:14 ये मध्य क्रय कले आपण अत्यंत शुभप्रद रेबे आसतु जाणवा यो धनतेरस कौ कौ राशि विशेष फलदायक रत्येकटी राशि धनतेरस भल रेबे मेष राशि व्यक्ति विशेष आपण प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष सुना रूपा तो क्रय करेंगे ता सहित स्पेसीफिक मेष राशि व्यक्ति विशेष किसी तंबार द्रव्य ठाकुरंकर तंबा ढाल तंबा बासन या क्रय कले घर पर किसी तंबा ढाल बासन क्रय कले भल फलप्रद रुभप्रद रृष राशि व्यक्ति विशेष चांदी रूपार कौन द्रव्य ठाकुर हो निजपाई हो निज झी पुओं हो क्रय कले बहुत भल रदी रूपा द्रव्य क्रय कर असमर्थ ताहले आपण बस्ताए चाउल विशेषकर जदि गोटे पैकेट भी हो बासुमती चाउल सुवासित बासुमती चाउल जदि क्रय करेंगे भोग कर भगवान को देवे प्रसाद रूप से चढ़े बहुत भल रही भाव में मिथुन राशि व्यक्ति विशेष जदि आपण क्रय करने चाहूंट आपण सबुज रंगर किसी वस्त्र क्रय करेंगे आपण किसी इलेक्ट्रोनिक्स द्रव्य को क्रय करेंगे ताहले आपण बहुत भल सुना रूपा प्रथम कहूँ समस्ते क्रय करेंगे ता सहित ये द्रव्य गुड़ी क्रय करेंगे बा श्रीजंत्र एगुड़ी समस्ते क्रय करेंगे से भाई भाव में कर्कट राशि व्यक्ति विशेष जदि चांदीर कौन द्रव्य क्रय करेंगे रूपार कौन द्रव्य क्रय करेंगे यह आपण विशेष भल रिंह राशि व्यक्ति विशेष तंबार तंबा धातुर कौन ग्लास बासन कुसन ठाकुर कौन बासन कुसन या क्रय करें सधवा महिला मैंने सिंदूर क्रय करेंगे यह बहुत भल रिंह राशि व्यक्ति कन्या राशि व्यक्ति विशेष जदि आपण कौन दुर्गा फटो बा दुर्गा माधव फटो क्रय करेंगे आपण बहुत भल लक्ष्मी गणेश कुबेर फटो जदि क्रय करेंगे यह बहुत आपण भल रही भाव में किसी सबुज रंगर वस्त्र इलेक्ट्रोनिक्स द्रव्य जदि क्रय करेंगे यह आपण बहुत भल रिछ शस्य अर्थात चाउल गहम बस्ताए जदि क्रय करवा गोटे पैकेट भी होती क्रय करेंगे यह आपण बहुत भल रुलाशि व्यक्ति विशेष किसी कस्मेटिक द्रव्य जदि आप क्रय करेंगे आपण बहुत भल रूपा चांदीर कौन द्रव्य क्रय कले चांदी अलंकार रूपा अलंकार चांदी बासन को क्रय कले बहुत भल रुण क्रय कले आपण बहुत भल रिछाराशि व्यक्ति विशेष तंबा द्रव्य निश्चय क्रय करूँ तंबा रूपा सुना तो क्रय करें स्थित थे तंबा द्रव्य निश्चय क्रय करूँ तंबार ग्लास थाली इत्यादि क्रय करूँ यह बहुत शुभप्रद रनुराशि व्यक्ति विशेष सुवर्ण जदि क्रय करेंगे तेल बहुत भल रि सुवर्ण क्रय करना कंसा पीतल बासन या निश्चय क्रय करूँ बहुत भल रठात करणसी व्यस्तता भितर अच्छा करें खंड हलदी किंवा हलदी गुंड पैकेट टीए क्रय करूँ निश्चय शुभप्रद रपण मकर राशि व्यक्ति विशेष
ଆପଣ ଯଦି ରୂପା ବା ଚାନ୍ଦିର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବାସନକୁସନ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋମାତା ଗାଈର ପ୍ରତିମା ଥିବ ଏବଂ ବାଛୁରୀ ସ୍ତନପାନ କରୁଥିବେ ଗାଈଠାରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୋମାତା ଏବଂ ଗୋବତ୍ସା ଅର୍ଥାତ୍ ବାଛୁରୀ ଏବଂ ଗାଈର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପଣ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ୍ରୟ କଲେ, ଚାଉଳ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟିଏ, ଗହମ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟିଏ ବା ଗହମ ବସ୍ତାଏ, ଚାଉଳ ବସ୍ତାଏ, ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତିମା ବା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋଟିଏ କ୍ରୟ କରିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରିଦେବ। ସେହିଭଳି ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଧାତୁର ପ୍ରତୀକ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୟ କରି ନପାରିଲେ ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପରମିସନ ନଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଂସା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପିତ୍ତଳ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ପୂଜା କେଶର, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରରେ କେଶର ପଡ଼େ ବା ପୂଜା କେଶର ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, ସେ ପୂଜା କେଶରକୁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ପେସ୍ତା ବାଦାମକୁ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁବେରଙ୍କର ପ୍ରତିମା, ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ୟାକୁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଧନତେରସ ସୁଖପ୍ରଦ ହେଉ, ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ କହିବି କ'ଣ କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ କାଚର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ, କାଚରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ, କଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଯାହାର କଳା ଥିବ ତାକୁ କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଲୋହ ବା ଲୁହାର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଆଲୁମିନିୟମ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ରୟ କରିବେ, ବାସନକୁସନ କ୍ରୟ କରିବେ, ଏହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। କାରଣ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାଚରେ ଆଲୁମିନିୟମରେ ବିଶେଷ କରି ରସର ଯେଉଁ ପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ରସ ପାତ୍ର ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଆଲୁମିନିୟମର ଆପଣଙ୍କର କଡ଼େଇ ହେଉ, ବାସନ ହେଉ, ଇଏ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଏ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ରାହୁଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା କାଚ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମରେ ଥିବାରୁ କାଚ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମର କୌଣସି ବାସନକୁସନକୁ ବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଲୁହାରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଲୁହା ଯେଉଁଥିରେ ତିଆରି ଲୁହାର ସାମଗ୍ରୀ, ଲୁହାର ପାତ୍ରକୁ ଆଜି ଦିନରେ କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଔଷଧ, ନର୍ମାଲ ଔଷଧ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା, ଏସିଡ଼ିଟି ହେଲା, ସୁଗାର ହେଲା, ଏ ଔଷଧ ଯେଉଁଟା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଔଷଧ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୟ କରିଥିବେ, ଆଜି ଦିନରେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଔଷଧ କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ କ୍ରୟ କରିବେ। କାରଣ ଶରୀର ଆଗ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନେସେସରିଟି ଆମକୁ ଅଛି ଔଷଧ, ତାହେଲେ କ୍ରୟ କରିବେ, ନହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଔଷଧ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଔଷଧ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ମାସିକିଆ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିବେ, ଆଜି ଦିନରେ କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ। ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଧନତେରସ ଦିନ ବା ଆପଣଙ୍କର 10/11, 10 ନଭେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯମଦୀପ ଆପଣ କେଉଁ ସମୟରେ ଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯମଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯମଦୀପ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାଧି, ଅକାଳ ବିୟୋଗରୁ ଆପଣ ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ତାହା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେଉ। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାଶା ପୂର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କାଶା ପୂର୍ଣ୍ଣଶୈବ ମନରଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦେନ ପୂଜାମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାମ୍ ବ୍ରଜେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ହି, ଶାନ୍ତି ହି, ଶାନ୍ତି ହି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର
9776833302, 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।